केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने बीए थर्ड ईयर की क्लास में मानव विकास, बाल विकास इन सब के बारे में पढ़ा था। तो हम आप सबको पता ही होगा कि बाल विकास क्या था, बालक के मस्तिष्क का अध्ययन। और ये अध्ययन हम विभिन्न अवस्थाओं में करते हैं, जैसे अलग अलग अवस्थाएँ पढ़ी थी हमने, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, परिपक्वावस्था, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था। ये सारी अवस्थाओं में जब हम बालक का अध्ययन करते हैं अलग अलग तरह से, तो उन सब के बारे में पढ़ा था। तो उसी में आज हमारा लास्ट टॉपिक है मानव विकास के महत्व का अध्ययन। इसका मतलब है कि हमने जो कल मानव विकास पढ़ा था, अलग अलग अवस्थाओं में हम जो मानव विकास पढ़ रहे हैं उसके पढ़ने का महत्व क्या है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला महत्व है, मानव विकास के अध्ययन करने का सबसे पहला महत्व है बालक के स्वभाव को समझने में सहायक। बालक के स्वभाव को समझने में सहायक, बालक के स्वभाव को समझने में सहायक। अब इसका अर्थ क्या है कि बालक के स्वभाव को समझने में सहायक। जब तक हमें पता नहीं होगा कि जब हम बालक के बारे में समझेंगे नहीं कि उसका व्यवहार कैसा है, वो समाज में किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसका सामाजिक व्यवहार कैसा है, वह घर में किस तरह से बर्ताव कर रहा है, तो मतलब उसका पारिवारिक विकास किस तरह से हो रहा है, वह अच्छे लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार कर रहा है, अच्छा व्यवहार कर रहा है, बुरा व्यवहार कर रहा है, तो इसका अर्थ क्या है कि उसका नैतिक विकास किस तरह से हो रहा है और कैसा विकास, और उसका वह अपने संवेगों को किस तरह से प्रकट कर रहा है, किस एज में वह किस प्रकार से अपने भाव प्रकट कर रहा है, तो इसका अर्थ है कि वह उसका संवेगात्मक विकास किस तरह से हो रहा है। जब तक हमें ये पता नहीं होगा, हमें उस बालक के स्वभाव के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए मानव विकास का महत्व क्या है कि बालक के स्वभाव को समझने में सहायक है। जब तक हमें पता नहीं होगा कि वो बालक का स्वभाव कैसा है, कोई उससे बात करना पसंद नहीं करेगा। मतलब जब तक हमें किसी के बारे में पता नहीं होता, हम लोग कुछ भी नहीं जानते। तो उसके लिए मानव विकास जरूरी है कि बालक के स्वभाव को समझने में सहायक है। दूसरा महत्व होता है कि बालक के विकास के लिए उपयोगी है। मानव विकास पढ़ने का दूसरा रीज़न क्या है? बालक के विकास के लिए उपयोगी है। बालक के विकास के लिए उपयोगी है। अब इसका अर्थ यही है, बालक के विकास अलग अलग अवस्थाओं में हो सकते हैं, जैसे शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया। सबसे पहला तो जब हम किसी भी विकास की बात करेंगे, सबसे पहले विकास शारीरिक विकास आएगा। शारीरिक विकास इसके शब्द में आ रहा है शरीर से संबंधित, तो उसका शरीर शारीरिक रूप से कैसे विकास हो रहा है। फिर आएगा शरीर के बाद आता है सामाजिक विकास। सामाजिक में शब्द आ रहा है समाज। समाज में सिर्फ हमारा समाज नहीं है, समाज से अर्थ है हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी, ये सब जो भी आते हैं ये हमारे सामाजिक विकास से संबंधित है। फिर उसके बाद आता है हमारा संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास से अर्थ है संवेग। अब ये संवेग कौन कौन से होते हैं? संवेग का मतलब है इमोशंस, हमारे इमोशन, जैसे हंसना, रोना, हम अपना दुख प्रकट करें, हम किसी से डर रहे, हम किसी से खुश हैं, तो ये सब क्या है? संवेग है। और हम ये किस एज में आकर किस तरह से प्रकट कर रहे हैं, तो ये कौन सा विकास है? संवेगात्मक विकास है। फिर आता है मानसिक विकास। मानसिक विकास में शब्द आ रहा है मन। अब ये मनोविज्ञान में हमने कल पढ़ा था कि मनोविज्ञान में मन का अर्थ होता है मस्तिष्क। तो मतलब बालक किस एज में आकर किस तरह से अपने मस्तिष्क का यूज़ कर रहा है, वह किस तरह से सोचने समझने की क्षमता रखता है, उसका तर्क वितर्क करने का तरीका कैसा है, वह किस तरह से सोचता है, उसकी याददाश्त कैसी, ये सब आता है मानसिक विकास के अंतर्गत। फिर उसका आता है चारित्रिक विकास। चारित्रिक विकास में शब्द आ रहा है चरित्र, है ना, चरित्र। तो चरित्र से सब जानते हैं, कैरेक्टर मतलब उस इंसान का कैरेक्टर कैसा है, तो ये विकास कैसा होगा? चारित्रिक विकास होगा। तो मतलब मानव विकास का अध्ययन हम लोग क्यों करते? बालक के विकास को समझने के लिए। मतलब जब हम लोग मानव विकास के बारे में पढ़ेंगे ना, हमें पता नहीं चलेगा कि बालक का शारीरिक विकास किस तरह से, वह समाज के साथ किस प्रकार से रह रहा है, उसके संवेग प्रकट करने की उसमें क्षमता कैसी है, उसका मस्तिष्क किस प्रकार से है, उसका चरित्र कैसा है, आदि इस प्रकार से और भी कई विकास होते हैं। तो जब तक हम मानव विकास के बारे में नहीं जानेंगे, हमने बालक के इन सभी विकास के लिए समझ में नहीं आएगा। फिर अगला विकास है मनोविज्ञान में व्यक्तिक विभिन्नताओं के बारे में जानने के लिए। व्यक्तिक विभिन्नता,
व्यक्तिक विभिन्नता के लिए, अब ये व्यक्तिक विभिन्नता होती क्या है? इस व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ होता है, शब्द में मतलब है, व्यक्ति का मतलब प्रत्येक व्यक्ति, और विभिन्नता से तात्पर्य आप तो सबको पता ही है, भिन्नता, तो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति के बीच विभिन्नता, मतलब हर कोई व्यक्ति अलग अलग होता है। हम सभी जानते हैं हर कोई व्यक्ति अलग अलग होता है, कोई भी व्यक्ति एक समान नहीं होता। तो हमें मानव विकास के द्वारा क्या पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति की विभिन्नता के बारे में पता मिलता है कि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कैसा है, वो समाज में किस प्रकार से व्यवहार करता है। हर कोई अलग अलग व्यवहार करते हैं, हर किसी के संवेग अपने भाव प्रकट करने का अलग अलग तरीका होता है। हर व्यक्ति का मानसिक विकास भी अलग होता है, उसका चारित्रिक विकास भी अलग होता है, उसका नैतिक विकास भी अलग होता है ना, ये सब होते हैं। तो मानव विकास के द्वारा हमें व्यक्तिक विभिन्नताओं के बारे में जानकारी मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग है, कि किसमें क्या खूबी है, किसमें क्या खूबी है, किसमें किस प्रकार की कमी है, और वह उसे किस प्रकार से सुधारा जा सकता है, कि ये सब हमें व्यक्तिक विभिन्नता के द्वारा पता चलता है। फिर मानव विकास का अगला महत्व है मानसिक दुर्बलता के शीघ्र उपचार में, मतलब मानसिक दुर्बलता का पता लगाने में। मानसिक दुर्बलता का पता लगाने में अब ये मानसिक दुर्बलता का पता लगाने में कैसे मानव विकास यूज करेगा? जैसे अभी हमने पढ़ा मानसिक, जैसे मानसिक विकास की बात कर रहे हैं, मानसिक विकास क्या है? मन का विकास, मन का मतलब मस्तिष्क, मतलब बालक किस तरह से सोच है, अगर वह मंद बुद्धि है या होशियार है, प्रतिभाशाली है या कमज़ोर है, तो मतलब वो किसका मस्तिष्क किस प्रकार से कार्य करता है, वो किसी के बारे में सोचने समझने याददाश्त, उसकी याददाश्त कैसी है, उसकी तर्क वितर्क करने की क्षमता कैसी है, तो ये सब का पता मानसिक दुर्बलता होता है। जैसे मानसिक दुर्बलता, दुर्बलता का मतलब क्या हो गया? कमी, मतलब ये कमी किस प्रकार से हो सकती है, मस्तिष्क से संबंधित है। मतलब मस्तिष्क में कमी का अर्थ क्या हो गया? कि वह मंद बुद्धि है, इंटेलिजेंट है, मंद बुद्धि है या प्रतिभाशाली है, ये सब हो गया ना। तो मतलब मानसिक दुर्बलता का पता लगाने में मानसिक मानव विकास का यूज किया जाता है। तो मानसिक दुर्बलता कौन सी, वह किस प्रकार से अध्ययन कर सकता है? मतलब कोई बच्चा मंद बुद्धि बालक है तो उसे उस प्रकार से शिक्षा देंगे कि उसे बिल्कुल तो कम लेवल से पढ़ाएंगे कि उसे थोड़ा थोड़ा अलग अलग पार्ट करके पढ़ाएंगे तो उसे जल्दी समझ आएगा। जैसे अगर कोई प्रतिभाशाली बालक है, होशियार बच्चा है, तो उसे हम एक साथ पढ़ा लेंगे तो हमें लोड नहीं पड़ेगा कि नहीं ये तो कर लेगा, क्योंकि इसके इसमें मस्तिष्क ज़्यादा है, उसके सोचने समझने याद करने की कैपेसिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर कोई मंद बुद्धि बालक है तो हम उसे थोड़ा थोड़ा अलग अलग पार्ट्स करके पढ़ाएंगे तो ऐसे क्या होगा कि वह अपनी इस कमी को कम कर पाएगा, जिससे हम उसकी मानसिक दुर्बलता को कम कर सकते हैं। और ये कम कैसे कर सकते हैं? मानव विकास के द्वारा। फिर मानव विकास का अगला महत्व है बालक के नैतिक एवं चारित्रिक निर्माण में, नैतिक एवं चारित्रिक निर्माण। अब ये नैतिक एवं चारित्रिक निर्माण क्या हो गए? विकास ही हो गए ना, बात तो एक ही है, नैतिक एवं चारित्रिक विकास। नैतिक मतलब अच्छे गुण, चरित्र मतलब कैरेक्टर, पता ही है ना ये सब तो आपको। फिर अगला गुण है बालकों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने में। अगला है बालकों के प्रति बालकों के प्रति वैज्ञानिक बालकों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने। अब इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि हम मानव विकास जब पढ़ते हैं तो हम प्रैक्टिकली सोचते हैं ना, वैज्ञानिक क्या करते हैं? प्रैक्टिकल करते हैं, मतलब पहले किसी की सुनी सुनी बातों पे यकीन नहीं करेंगे, पहले वो खुद लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे, हाँ ये टेस्ट सही आ रहा है तो आगे दूसरों को बताएंगे। मतलब क्या हो गया, उन्होंने खुद प्रैक्टिकल किया, खुद एक्सपीरियंस लिया, खुद प्रयोग किया, प्रयोग करने के बाद वो दूसरों को सलाह दे रहे हैं, दूसरों को इस बारे में बता रहे हैं कि हाँ ये ऐसे
होता है। तो उसी तरह से मानव विकास क्या कहता है, मानव विकास में हम पहले खुद पहले बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ कि वह उसका शरीर किस प्रकार से विकास हो रहा है, उसके शरीर में किस प्रकार से वृद्धि हो रही है, वह समाज में किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है। तो हम लोग खुद उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाँ ये इस प्रकार से कर रहा है, वह संवेग किस तरह से प्रकट कर रहा है, तो मतलब वह अपने भावों को प्रकट किस तरह से कर रहे हैं। हम लोग उन्हें देख कर ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, हम लोगों की सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं कर रहे। हम लोग क्या करें, बालों को खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं कि हाँ उसका संवेग ऐसा है, उसका शारीरिक विकास इस तरह से हो रहा है, उसका सामाजिक विकास ऐसा है, वह लोगों से इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, हाँ हम लोग खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, हम लोग प्रैक्टिकली देख रहे हैं तो बालकों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए कि हम लोगों की पहले से सुनी सुनाई सालों से परंपरा चली आ रही सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करें। मानव विकास में हम लोग क्या करते हैं, हम प्रैक्टिकली देखते कि हाँ ये बालक ऐसे कर रहा है, उसका विकास इस तरह से हो रहा है। प्रत्येक बालक को अलग अलग तरह से देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर। तो ये सब क्या है, प्रैक्टिकली देख रहे हैं। तो मानव विकास क्या करता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है। फिर अगला विकास है फिर अब और किस लिए यूज किया जाता है मानव विकास का, फिर अगला यूज है मानव विकास का, बालक के व्यवहार नियंत्रण में। अब बालक का व्यवहार नियंत्रण कैसे, हम उसमें विकास को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मानव विकास में हम लोग अभी हमने पढ़ा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रैक्टिकली उसे देख रहे हैं, उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो बालक शरीर शारीरिक रूप से कैसे वृद्धि कर रहे हैं ये हमने खुद देखा, वह समाज में किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं हम लोग खुद देख रहे हैं, उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये सब देखने के बाद हम देखेंगे, हमने ये सब ऑब्जर्व तो कर लिया, ऑब्जर्व करने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें क्या कमी रह गई, अच्छी आदतें कौन सी है, बुरी आदतें कौन सी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पहले हमने ये सब ऑब्जर्व कर लिया, ऑब्जर्व करने के बाद क्या करेंगे, जरूरी तो जो बच्चा कर रहा है हम सिर्फ उसे देखेंगे, वो अच्छा कर रहा है तो उसे अप्रिशिएट नहीं करेंगे, वो गलत काम कर रहा है तो उसे रोकेंगे नहीं, ऐसा तो करेंगे ना। तो हम क्या करते हैं, ये सब हमने उसका विकास देख लिया, विकास देखने के बाद हम लोग ऑब्जर्व करेंगे उसमें किस बात की कमी है कि हाँ उसे ऐसे करना चाहिए, उसमें अच्छी बातें कौन सी है कि हाँ उसने ये अच्छी बातें सीखी है, उसमें बुरी आदतें कौन सी, उसे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम ये सब देखने के बाद, हर विकास को ऑब्जर्व करने के बाद, प्रैक्टिकली देखने के बाद हम उसकी अच्छी बुरी सभी आदतों को ऑब्जर्व करेंगे। तो ये क्या होगा, इससे उसका व्यवहार में नियंत्रण आएगा, हम उसके व्यवहार को कंट्रोल कर लेंगे क्या उसे इस तरह से करना चाहिए। अगर हम बचपन में शैशव बाल्यावस्था में बच्चे को अच्छी आदतें अच्छी बुरी आदतों में फ़र्क करना सिखा देंगे तो ये क्या होगा, उसका व्यवहार अच्छा होगा। अगर हम उसके व्यवहार को अच्छा बनाएंगे ना, अगर हम उसे अच्छी बुरी आदतों में फ़र्क करना बता देंगे तो वो क्या होगा, इससे उसका व्यवहार अच्छा होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, व्यवहार में नियंत्रण आ जाएगा। तो मानव विकास किस में उपयोगी, बालक के व्यवहार के नियंत्रण में उपयोगी है। फिर अगला है, और किस में यूज़ होता है मानव विकास का, मानव विकास का अगला यूज़ है बालक के संबंध में पूर्वानुमान लगाने में, पूर्वानुमान मतलब प्रिडिक्शन। अब प्रिडिक्शन का मतलब तो आप सबको पता ही है, हिंदी में बोलूँ तो पूर्वानुमान। अब मैंने फर्स्ट डे से क्लास ली थी तो बाल मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ बताया था इसे तोड़ के। अब पूर्वानुमान का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, संधि विच्छेद तो आता ही है ना, तो संधि विच्छेद ही है, पूर्व में अनुमान, पूर्व में अनुमान मतलब
पहले से पता लगाना कि हाँ पहले से सोच लेना कि यह ऐसा होगा। अब प्रिडिक्शन का पता लगाने में इसका मतलब क्या हो गया, मानव विकास प्रिडिक्शन में कैसे यूज़ हो गया, तो मतलब अब जब हम बालक के इन सभी विकास को ऑब्जर्व करेंगे देखेंगे तो हम बचपन से किशोरावस्था तक ऑब्जर्व करते जाएंगे कि इसका शारीरिक विकास, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी विकास किस तरह से हो रहे हैं, तो हम एक प्रिडिक्शन, एक अनुमान लगा सकते हैं। हाँ, जैसे उसमें अच्छी आदत है, उसे लोगों की सेवा करना पसंद है, उसे देश के बारे में वह अधिक जागरूक है, तो हम क्या सोचेंगे, तो ये कैसा है, देशभक्त है। अगर उसे चिकित्सा में या डॉक्टरी में वगैरह इंटरेस्ट है तो हम क्या सोचेंगे, इसे डॉक्टर बनना है। अगर उसे पढ़ाने में रुचि है, खुद पढ़ने में रुचि है, उसे प्रैक्टिकली कुछ करने में रुचि है तो हम क्या करेंगे, ये वैज्ञानिक बन सकता है। किसी में कुछ ना कुछ खूबी होती है ना, तो ये खूबी किसी में कुछ ना कुछ तो खूबी होगी, है ना, तो कोई खूबी है तो ये हम कब देखेंगे, जब हमें उसे विकास के बारे में पता होगा, जब हम उसके पूरे विकास को ऑब्जर्व कर लेंगे तो हमें उसकी खूबियों के बारे में पता चलेगा और उस खूबी के आधार पर हम उसके भविष्य को पता लगा सकते हैं ना, है ना। अगर हमें किसी की खूबी पता होगी, किसी को ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो वो बड़ा होकर पेंटर बन सकता है, चित्रकार बन सकता है। अगर किसी को लीडरशिप करने में इंटरेस्ट है, मतलब जो कॉलेज में, स्कूल में वगैरह वो लीडरशिप करते हैं, तो उसे इस सब में इंटरेस्ट है तो वो क्या हो सकता है, देशभक्त बन सकता है, आगे जाके नेता बन सकता है। तो ये सब क्या है कि जब हम मानव विकास का अध्ययन कर लेंगे, गहन अध्ययन कर लेंगे, इन सब विकास को पढ़ लेंगे, तो उसके बाद हम बालक के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो मानव विकास का कहाँ यूज़ है, प्रिडिक्शन लगाने में। इसी तरह से मानव विकास का जो चैप्टर था वो आज कंप्लीट हो गया, उसके बारे में अगला चैप्टर है फिर चैप्टर 2, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।